और अब बात मॉस्को की, क्योंकि इस वक्त मॉस्को और कीव दोनों जगह खलबली मची हुई है। पुतिन ने कमांडरों की मीटिंग में क्लियर कर दिया है कि हर हाल में यूक्रेन में आगे बढ़ना है। जेलेंस्की ने मोर्चे पर जवानों के सामने ऐलान किया है कि वो रूस के भीतर घुसकर हमला करना बंद नहीं करने वाले, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। जेलेंस्की की जिद और पुतिन के पंच के बीच यूक्रेन में कब्रिस्तानों की तादाद बढ़ती जा रही है। जेलेंस्की के दावों का निकल गया कचूमर। रूस की फौज के ताजा हमले में डोनेस्क तबाह। सरेंडर करने पर भी यूक्रेन के सैनिकों को नहीं मिल रही माफी। और मिसाइलों से यूक्रेन का जर्रा जर्रा हो रहा बर्बाद। कभी रूस के कुर्स्क में जान बचाने के लिए भागते लोग, कभी यूक्रेन के डोनेस्क में अपनी आंखों के सामने अपनों को मौत का निवाला बनते देखते लोग, कभी मिसाइलों की मार, कभी ड्रोन का घातक प्रहार, कभी टैंक से विनाश, कभी गाइडेड बमों का अटैक, कभी थर्माइट बमों से बेहाल। ढाई सालों से छिड़ा युद्ध पहले घाव बना और अब जख्म इतना गहरा हो गया है लाइलाज होता दिख रहा है। शांति की बातें और जमीन पर रक्तपात की तस्वीरें बिल्कुल मैच नहीं करती। हमले के बाद लवीव में इस वक्त शांति है, जो मारे गए उन्हें फूलों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। Ну, і подивитися, що відбувається. Я вирішила закрити вікно, закрити. І коли я опускала жалюзі, то пролунав вибух. Потім розлетілись іскри і вибило вікна. В результаті цього я почула пізніше крик мужчини, кричав: «Рятуйте, люди під завалами». Донецьк, Покровськ, Львів. Україн дхуа-дхуа хо рха хе. Путін кі топе сенік чхавніо і рихайші імарто ка бхід бхула чукі хе. Місайл хамле ме Львів ме 7 лог маре ге, пура шехер умар пда хе, юдх зиндгі жала рхі хе. Вкладена, по суті, місія відбудови України. Тому що це дитина, по-перше, яка вихована вже в 10 роках війни. Її все свідоме життя – це вже триває війна. Вона вихована в тій сім'ї і в тих цінностях, де було розуміння, що таке є Україна. Це була дуже інтелігентна родина, це була високоосвічена родина. І це була мистецька, культурна така родина. ये डोनेस्क की भयावह तस्वीरें हैं। हमलों की गिनती करते करते आप थक जाएंगे। यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस के साथ वो कम से कम 100 जगहों पर युद्ध लड़ रहा है, जबकि रूस का कहना है कि उसने डोनेस्क क्षेत्र में 6 नई जगहों पर कब्जा कर लिया है। और ऐसा करने में वो इसलिए कामयाब रहा कि यूक्रेन की सेना को उसने कुल 17 जगहों पर परास्त किया। बैटलफील्ड से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इसकी तस्दीक करती हैं। रूस पूर्वी यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस समय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोक्रोव्स्क के नजदीक भीषण लड़ाई चल रही है। सेम टाइम एज आवर एडवांस इन द कुर्स्क रीजन द रशियन आर्मी कंटिन्यूज इट्स ऑफेंसिव इन यूक्रेन द मोस्ट कैपेबल यूनिट्स ऑफ द रशियन आर्मी आर इन्वॉल्वड इन एक्सपेंडिंग द जोन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ आवर टेरिटरी इन द डोनेट्स्क रीजन दिस इज अ क्लियर चॉइस बाय मॉस्को। Putin wants more Ukraine to occupy than he wants security
for Russia. He doesn't care about Russian land and people. He just wants to grab as much of our land and as many of our cities as possible. अमेरिका ने यूक्रेन को 25 करोड़ डॉलर के नए हथियार देने की घोषणा की है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सहयोगी देशों से रूस की रेड लाइन की चेतावनी की अनदेखी करने की अपील करते हुए यूक्रेनी सेना को हमले के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने की मांग की थी। इन हथियारों से यूक्रेनी सेना रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले करेगी। Pleased to announce that President Biden has authorized a new security assistance package for Ukraine worth $250 million. That will provide Ukraine with additional air defense, armored vehicles, anti-tank weapons, and munitions for rocket systems and artillery. But we're not just focused on Ukraine's near-term needs. We're also working with allies and partners to help Ukraine forge its long-term security. अमेरिका यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही नहीं देता, रूस में क्या चल रहा है इस पर भी नजर रखता है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने रूस के नए परमाणु मिसाइल सेंटर का पता लगा लिया है, जिसके डिटेल आगे दिखाएंगे। पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार की नई खेप पर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इससे रूस पर युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बनेगा। ज़ेलेंस्की ने ये मांग तब दोहराई जब उनकी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के करीब 1,300 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है। असल में रूस के साथ 2.5 वर्ष से जारी युद्ध में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार और आर्थिक सहयोग देकर मुकाबले में बनाए रखा है, लेकिन यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार नहीं दिए हैं, और जो हथियार दिए उन्हें रूसी भूमि पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने की शर्त भी रखी। अमेरिका को लगता है कि यूक्रेन का रूस पर हमला तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, जिससे अमेरिका और यूरोप को भी भारी नुकसान हो सकता है। All know that we are operating with a minimum of weaponry. Yes, we are grateful very much for every support package that is provided to Ukraine from you, from your countries. But we need more weapons to drive Russian forces off our land and especially in the Donetsk region. पश्चिमी देशों की रणनीति बिल्कुल क्लियर रही है कि ज़ेलेंस्की को मुकाबले में तो बनाए रखना है, लेकिन रूस के साथ डायरेक्ट वॉर में नहीं उतरना है। यही कारण है कि कई बार तो ज़ेलेंस्की का हथियार मांगते मांगते गला सूख जाता है, लेकिन हथियार नहीं मिलते तो कई बार जो हथियार मिलते हैं वो किसी काम के नहीं होते, और अब तक जितने भी हथियार मिले हैं उनमें से कुछ को छोड़ दे तो रूस से मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि यह फैक्ट है कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों के दम पर ही ज़ेलेंस्की युद्ध मैदान में अब तक टिके हुए हैं। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने रूस की 9M370 ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल की डिप्लॉयमेंट साइट का पता लगाया है। प्लेनेट लैब से सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए शोधकर्ताओं ने परमाणु हथियार स्टोरेज फैसिलिटी के पास कंस्ट्रक्शन साइट पहचान की है। इसे वोलोगदा 20 और चेपसारा के रूप में जाना जाता है, जो मॉस्को के उत्तर में 475 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह फैसिलिटी पहले रूस की भूमि आधारित मिसाइलों के परमाणु पेलोड के लिए स्टोरेज थी। अब इस साइट को ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल का घर बनाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यहां पर मिसाइल की लॉन्च साइट बनाई गई है। रूस की इस मिसाइल को तैनात करने की रिपोर्ट अमेरिका और पश्चिम की टेंशन को बढ़ा रही है। नाइन एम 370 ब्यूरवेस्टनिक रूसी शस्त्रागार में सबसे विवादास्पद हथियारों में से एक है। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।